प्रकाश संश्लेषण से क्या आशय है? वह सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए क्यों आवश्यक है? वो अभिक्रिया जिसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन व जल का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश ऊर्जा के स्रोत या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ये हम एक प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, मैं यह प्रयोग कैसे कर सकती हूँ? बहुत आसान है मेरे दोस्त। इस प्रयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं इस प्रकार है: रोपा हुआ पौधा, लाइट स्क्रीन, आयोडीन विलयन। सर्वप्रथम हम एक रोपा हुआ पौधा लेते हैं, वो उसे 2 दिनों तक अंधेरे में रख दिया जाता है ताकि पौधा स्टार्च रहित रहे। फिर हमें किसी भी आकार की एक लाइट स्क्रीन लगाते हैं। ये लाइट स्क्रीन कार्डबोर्ड की बनी हो सकती है, जिसे काटकर हम आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। लाइट स्क्रीन किसी एक पत्ती पर स्थापित होना चाहिए ताकि प्रकाश केवल कटे हुए भाग से प्राप्त हो। फिर हमें पौधे को सूर्य प्रकाश में रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद लाइट स्क्रीन को पत्ती से निकाल ले और पत्ती को पौधे से अलग कर दे। स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण आयोडीन से करें। अब आप पत्ती के उस भाग पर नीले धब्बे देख सकते हैं जहां सूर्य प्रकाश डाला गया था। और पत्ती को आयोडीन विलयन से परीक्षण करने पर नीले धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कार्बोहाइड्रेट व शक्कर आयोडीन के साथ क्रिया कर नीला रंग देता है। बहुत बहुत धन्यवाद बॉब, अब मैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व को समझ गई हूँ। बहुत अच्छे जो।